अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो हिस्सी रियल इस्टेट चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ, फिर एक नए लोकेशन के साथ। आज की जो वीडियो है, बल्लागुड़े से मेन रोड से 100 मीटर दूरी पर एक मकान है, रजिस्टर्ड मकान फॉर सेल के लिए, G+1 मकान है। इसके फेस की अगर हम बात करेंगे 22.5 फेस और डेप्थ 40 की आ रही है। रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, घर के अंदर आपको बोरवेल है, मीठा पानी का कनेक्शन है और रेडी टू मूव मकान है। तो मकान के सामने आपको 15 फीट की रोड है और मेन रोड से बिल्कुल करीब में मकान है। मैं एक बार रोड से वीडियो स्टार्ट करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कितनी दूर पर है मेन रोड से, और सराउंडिंग एरिया भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम मकान देखते हैं, उसके बाद फिर रोड से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मकान का एलिवेशन है, आप देख सकते हैं, और एलिवेशन में जो पत्थर दिख रहा है आपको राजस्थानी स्टोन का काम किया गया है। और ये मकान की खास बात, इसका जो मेन डोर है सागवान का है, इसके घर के पूरे चौकट में सागवान के, विंडो भी सागवान के, पूरा ग्रेनाइट का काम बाहर तक आपको मिलने वाला है। और एसएस के रेलिंग वगैरह भी यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल 3 रहते हैं, अपन 4 लगाए गए इसमें। तो ये मकान की खास बात देख सकते हैं आप, पूरा एशियन पेंट का कलर इस्तेमाल किया गया है ये मकान पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर, यहाँ पर झाड़ वगैरह लगाने के लिए एक ऑप्शन है और वहाँ पर LED लाइट्स वगैरह भी लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से इसका डिज़ाइन दिखने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर का काम करा हुआ है। तो ये मकान में पूरा आपको एशियन पेंट अल्टीमा कलर यूज़ किया गया है और बाहर की तरफ ग्रेनाइट का भी काम यूज़ किया गया है। चलिए आइए मेन डोर से एंटर होते हैं। जैसा मेन डोर से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग प्लेस है और यहाँ पर भी ग्रेनाइट का काम किया गया है, अक्षर का काम किया गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन मिलने वाला है। बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में एक कॉमन वाशरूम है, देख सकते हैं आप ये कॉमन वाशरूम। जैसा हम कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी आपको LED लाइट्स वगैरह डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको मिलने वाला है। रेलिंग का काम भी मिलने वाला है। अगर आप घर वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर जो सपोर्टिंग लगाते हैं पानी नीचे नहीं आने वाले, वो भी पूरा ग्रेनाइट से कराया गया है। चलिए आइए मेन रोड से एंटर होते हैं। जैसा मेन रोड से एंटर हो रहे हैं, पूरे घर में फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन के साथ और पूरा एशियन पेंट के साथ ये मकान मिलने वाला है। सागवान के डोर है, यानी कि मेन डोर सागवान का है, चौकटा पूरे सागवान के, और नीचे पूरा ग्रेनाइट का काम आपको मिलने वाला है। बहुत ही शानदार मकान। ये रहा आपका हॉल, हॉल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग पर यहाँ पर झूमर भी एक डिज़ाइन के लिए मिलने वाला है और वहाँ पर दो लाइट्स जो दिख रही है आपको दीवार पे, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बिल्कुल जैसा लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर अच्छी स्पेस मिलने वाली है सामान वगैरह रखने के लिए। नीचे की तरफ अपने को दो रूम है, हॉल है, ड्राइंग रूम है। सबसे पहले हम ये रूम से स्टार्ट करते हैं। जैसा ये रूम में अपन इंटर हो रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है। बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार ये मकान है, नया मकान है, मेन रोड से बिल्कुल करीब में है। ये रूम में अपने को यहाँ पर भी सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिलने वाली है और इसके अंदर एक अटैच वॉशरूम है और यहाँ पर एक छोटा सा वॉश बेसन है। इसके अंदर जो नल वगैरह फिट किए गए पूरे स्टैंडर्ड कंपनी के यहाँ पर आपको मिलने वाले। खास बात, वॉशरूम में जो टाइल्स है उसकी हाइट भी 7 फीट की है और ये आपका वॉशरूम। जैसा हम वॉशरूम से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल मेरे राइट साइड पर एक सेकेंड बेडरूम है, बिल्कुल मेरे राइट साइड में एक सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम देख सकते हैं, सेकेंड बेडरूम में भी आपको फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है बहुत ही अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर भी अच्छी स्पेस मिलने वाली है, स्टोरेज स्पेस। और इसके अंदर तो खास बात, ये मकान पे आपको इन्वर्टर की वायरिंग पूरे घर पे की गई है और हर डोर के बाजू का आपको डोर लैंप भी मिलने वाला है। और खास बात, AC का भी पॉइंट हर रूम में आपको छोड़ा गया है और अच्छी स्पेस है सामान रखने के लिए ऊपर, और इन्वर्टर की वायरिंग भी इस पर की गई है। चलिए आइए सेकेंड बेडरूम से ज़्यादा बाहर निकले अपन। बिल्कुल मेरे राइट साइड पर एक किचन का प्लेटफॉर्म है, किचन में भी आपको अच्छी खासी स्पेस है, आप देख सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर भी ऊपर अच्छी स्पेस है और ऊपर पूरा आपको बॉर्डर किया गया है सीलिंग के जैसा, यानी कि किचन में सीलिंग के ऊपर बॉर्डर का काम मिलने वाला है। और नल का कनेक्शन आप देख सकते हैं, प्रेशर देखिए आपको बताऊंगा मैं। किचन में यहाँ पर भी अच्छी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और जैसा हम किचन से बाहर निकल रहे, बिल्कुल मेरे राइट साइड पर यहाँ पर आपको एक डक वेंटिलेशन के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर भी एक वॉश बेसन है और यहाँ पर एक आपका और एक वॉशरूम। टोटल ये मकान में ग्राउंड फ्लोर पे 3 वॉशरूम मिलने वाले हैं, एक अटैच वॉशरूम, एक कॉमन वॉशरूम, एक बाहर जो पार्किंग में मिलने वाला है जनरल वॉशरूम। यहाँ पर भी टाइल्स का काम देखिए आप, 7 फीट हाइट के ऊपर टाइल्स का काम मिलने वाला है और वहाँ पर गीजर का भी पॉइंट वगैरह आपको छोड़ा गया है, एग्जॉस्ट फैन की भी वहाँ पर ऑप्शन है। बहुत ही शानदार मकान है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और पूरा एशियन पेंट अल्टीमा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यह रहा आपका ड्राॅइंग रूम, ड्राॅइंग रूम में भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम माशाल्लाह बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन अच्छा मिलने वाला है। और ये सागवान का डोर है, ये चौकटा भी पूरे सागवान के हैं,
बाकी ये जो डोर है ये सागवान के नहीं होते, बट चौखट सागवान की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं नीचे पूरा ग्रेनाइट का काम मिलने वाला है आपको, यहाँ पर भी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिलने वाली है। तो शानदार मकान, नया मकान, रेडी टू मूव, मेन रोड से बिल्कुल खरीद में। डायरेक्ट ओनर का नंबर स्क्रीन पे, अगर कोई भी ये मकान परचेस करने वाले स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पर साइट विजिट कर सकते हैं। और ये मकान की खास बात, नाइट का व्यू भी मैं आपको बताने वाला हूँ मगरिब के बाद। चलिए आइए, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं यहाँ से फिर, और यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर पर हम जाने वाले हैं। 4 फीट के यहाँ पर स्टेयर मिलने वाली है आपको, और लैंडिंग जो रहता है आप लोग कितने फीट बोले, 10 फीट का लैंडिंग रहता है, मेन लैंडिंग, अलमारी वगैरह आराम से यहाँ पैटर्न होते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसा हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप वॉल पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, यहाँ पर भी पूरा टेक्चर का काम मिलने वाला है। तो हम आ गए अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पर किस तरीके से जैसा सेम नीचे है वैसे ही आपको मिलने वाला है। जैसा ये मेन हॉल है आपका, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलने वाला है, देख सकते हैं आप। ये हॉल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो झूमर के साथ दो वॉल पर लैंप भी मिलने वाले हैं, और नीचे पूरा ग्रेनाइट का काम मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये रूम से बात करते हैं। ये रूम आपका फर्स्ट बेडरूम, इसमें अंदर भी आपको फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है, और नीचे पूरा ग्रेनाइट का काम, और यहाँ पर एक वॉश बेसन अटैच वाशरूम के साथ, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो, और यहाँ पर एक विंडो है। ख़ास बात देख सकते हैं आप, ये अटैच वाशरूम की काफ़ी अच्छी स्पेस है, और आपको यहाँ पर हाइट देखिए, टाइल्स की हाइट भी बहुत ही अच्छी हाइट मिलने वाली है। तो हम जाते हैं फिर ये बेडरूम देखने के बाद सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी स्पेस है, और डोर लैम्प, एसी का पॉइंट हर रूम में आपको दिया गया है, और पूरे मकान पर इन्वर्टर की आपको वायरिंग की गई है। ये सेकंड बेडरूम में जैसा हम गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर भी आपको अच्छी स्पेस मिलने वाली है, नीचे पूरा ग्रेनाइट का काम मिलने वाला है, ये फ्लोरिंग है। जैसा हम सेकेंड बेडरूम से बाहर की तरफ जाते हैं, बिल्कुल मेरे राइट साइड पर आपको किचन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ये रहा आपका किचन, किचन में भी आप देख सकते हैं जैसा नीचे था किचन, सेम उसी तरीके से आपको ऊपर किचन मिलने वाला है। यहाँ पर भी ऊपर देख सकते हैं आप बॉर्डर का काम किया गया है सीलिंग पर, और यहाँ पर भी नल वगैरह आपको मिलने वाले हैं, यानी कि अच्छा प्रेशर के साथ आपको देख सकते हैं। किचन में भी वेंटिलेशन के लिए अच्छा आपको यहाँ पर विंडो मिलने वाली है। जैसा हम किचन से बाहर निकल रहे हैं, फिर आपको बिल्कुल मेरे राइट साइड पर एक वॉश बेसिन एरिया मिलने वाला है विंडो के साथ, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए। फिर बिल्कुल यहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है, जनरल वॉशरूम, पूरा स्टैंडर्ड वर्क किया गया है मकान का, स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक जो वर्क किया गया है पूरा प्रूफ के साथ, ओनर के साथ आपको फोटोज वगैरह मिल जाएंगे। रेड ब्रिक में, रेती में मकान का काम किया गया है, और पूरा एशियन पेंट का इस्तेमाल किया गया है, और बाहर में एलिवेशन पर जो स्टोन है राजस्थानी स्टोन, यानी कि हर चीज़ स्टैंडर्ड तरीके से इसमें मिलने वाली है। तो ये था आपको दो बेडरूम, किचन, वॉशरूम, वहाँ पर अटैच वाशरूम के साथ एक बेडरूम था ये हॉल। फिर यहाँ पर भी आपको एक ड्राइंग रूम मिलने वाला है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं ये आपका फॉल सीलिंग का एरिया है, फॉल सीलिंग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आप देख सकते हैं विंडो वेंटिलेशन के लिए, और मेन रोड पर मैं टेरिस के ऊपर भी जाऊँगा और रोड से भी वीडियो स्टार्ट करूँगा। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर भी छोटी एक स्पेस मिलने वाली है सामान वगैरह रखने के लिए, और नीचे आपको कुछ इस तरीके से फ्लोरिंग मिलने वाली है। ड्राइंग रूम से फिर हम जाते हैं टेरिस के ऊपर, और ख़ास बात देख सकते हैं आप, ये जो स्टेयरकेस जो लाइट है पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर से ले लेके अपने को पूरा टेरिस तक जाए तक आपको यहाँ पर लाइट मिलने वाली है। अब टेरिस के ऊपर जाके सराउंडिंग एरिया बताऊंगा, मेन रोड बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर रोड से वीडियो स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस एरिया में ये मकान मिलने वाला है। और इसकी हाइट भी देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हाइट है ऊपर। ये हम आ गए टेरिस के ऊपर, टेरिस के ऊपर जैसा हम आ गए आशीर्वाद के टैंक, और पूरे आशीर्वाद के यहाँ पर पाइप मिलने वाले। खास बात टेरिस के ऊपर रेती का काम, यानी कि फ्लोरिंग कराई के बाद डेंट प्रूफ का भी काम किया गया है, वाटर लीकेज नहीं होना बोल के आप आके चेक कर सकते ऊपर भी, और सराउंडिंग वॉल पर भी पूरा डेंट प्रूफ का काम किया गया है। और यहाँ पर बैठने के लिए कुछ इस तरीके से चबूतरा बनाया गया है, और यहाँ पर भी एक वॉश बेसन है, यानी कि ऊपर जो भी रहेंगे उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए एक वॉश बेसन भी है। और सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं आप, मस्जिद, अपार्टमेंट वगैरह बहुत ही अच्छे G+1 G+2 मकान यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सराउंडिंग एरिया में देख सकते हैं। और मेन रोड से बिल्कुल खरीब में ये प्रॉपर्टी है, रोड से भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से भी मैं एक बार रोड का व्यू बताऊँगा, देख सकते हैं सिटी पैलेस जैसा आपके मकान के ऊपर रहे, तो सामने जो मकान के ऊपर आपको रोड मेन रोड दिख रही है सिटी पैलेस, यानी कि सिटी पैलेस सामने है वहीं मेन रोड है। और ये जो गेट दिख रहे हैं आपको ये कमर्शियल बिट मेन रोड के, इसके सेकेंड अपन पीछे अपना मकान है, यानी कि फर्स्ट बिट पे जो आ रहे मकान कमर्शियल उसके पीछे अपना मकान है, मेन रोड से बिल्कुल करीब में है। मैं एक बार वीडियो स्टार्ट करूंगा, और बेहतर ये रहेगा आप यहाँ पर साइट विजिट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा मेन रोड से कितनी दूर पर है और ये मकान कैसा है। और राड की बात करेंगे इसमें अपने को 16 mm के कितने बोले
16 mm के चार रॉड है देख सकते हैं आप, और 12 mm के दो रॉड है, यानी कि G+3 का फाउंडेशन इसमें आपको मिलने वाला है। फिलहाल G+1 पे ये मकान बना हुआ है और इसके ऊपर और मजीद दो फ्लोर आप बना सकते हैं। पूरा रेड ब्रिक से रेती से काम किया गया है। ओनर साहब के साथ पूरे प्रूफ के साथ आपको फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह मिल जाएंगे। आप साइट विजिट करें, खुद आपको हर वो चीज़ तफसील से बताएंगे। वीडियो में हर चीज़ तफसील से बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, बेहतर ये रहेगा आप आके साइट विजिट करिए। सराउंडिंग एरिया देखिए आप, मस्जिद वगैरह करीब में, मेन रोड वगैरह करीब में है। आपको जैसा बाहर निकले बस की, ऑटो की, और फ्यूचर में आपको मेट्रो भी काम आने वाले। चलिए एक बार रोड से वीडियो स्टार्ट करते, बाकी की डिटेल में वहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ। ये चंद्रायन गुट्टे से आने वाली रोड है, चंद्रायन गुट्टे से एयरपोर्ट जाने वाली रोड है। आपको यहाँ से सीधा राइट लेके आगे से मेहदीपट्टनम भी चले जा सकते हैं, अत्तापुर भी चले जा सकते हैं, टोली चौकी भी जा सकते हैं। स्टेट शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, बस वगैरह 300 जो आ रही है बस, मेहदीपट्टनम से एल बी नगर की बस है। तो यहाँ पर मेट्रो का भी काम का सेंक्शन हो चुका है, ये रोड पे मेट्रो भी आने वाली है फ्यूचर में। और लैंडमार्क के लिए अब याद रख लीजिए, सिटी पैलेस के बिल्कुल अपोजिट में अपना मकान, ये बिल्डिंग के बैक साइड में अपना मकान मिलने वाला है। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, बहुत ही करीब में है। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, और बहुत ही अच्छी मार्केट है। चलिए आइए आगे, वहाँ से सवेरा होटल से अपन लेफ्ट लेते हैं। तो ये काफ़ी बिजी रोड है, मेन रोड से बिल्कुल करीब में अपना मकान है। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं हर चीज़ की सहूलत है, और बैक साइड में मर्सी चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी था करीब में। यहाँ से लेफ्ट लेना है सवेरा होटल से, जैसा फर्स्ट लेफ्ट लेती फिर फर्स्ट लेफ्ट लेना है। यहाँ पर आपको एक स्कूल मिलने वाला है, और देखिए मेडिकल वगैरह। और ये रोड कितने फीट की है सब? 20 फीट की रोड है। और कमर्शियल स्पेस ये जो देख रहे थे आप, ये बिल्डिंग वगैरह, ये जो आप बिल्डिंग के सामने से स्टार्ट कर रहे थे वीडियो, इसके बैक साइड में अपनी प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल मेन रोड से करीब में ये प्रॉपर्टी, ये मकान मिलने वाला है, रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है। सराउंडिंग में स्कूल, मस्जिद, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और फंक्शन हॉल, बस की सहूलत, ऑटो की सहूलत, फ्यूचर में आपको यहाँ पर मेट्रो, रेल की भी सहूलत। मेट्रो का काम का सेंक्शन हो चुका है, जो कि बल्ला उड़ा चंद्रायन गुट्टे से सीधा एयरपोर्ट को जाने वाली है। ये रहा आपका मकान, मकान में आप देख सकते हैं, ये मकान देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका पूरा पीछे का बैक साइड का डेंट प्रूफ का काम किया गया, और सरकारी भी बहुत नीटनेस तरीके से की गई, और ऊपर डेंट प्रूफ कलर का काम किया गया, वाटर लीकेज वगैरह आपको बिल्कुल होने के चांसेस नहीं रहते। और ये एलिवेशन देख सकते हैं आप, मेन रोड से बिल्कुल खरीब में ये मकान था। वो आप बिल्डिंग देख सकते हैं मेन रोड पे, मैं वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा था, जो झूमर वगैरह डेकोरेशन के लिए जो मोनार्च बोल के शॉप थी, वो बिल्डिंग के बैक साइड में यहाँ से देख सकते हैं आप, उसके बैक साइड में ये अपना मकान है।